ladies and gentlemen here we are with the module 30 this 30th module will define the creativity and innovation lastly we have discussed innovation and digital divide digital divide or innovation ke andar fark technological reimbursement hui bahut digitization r&d ke the technology use आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हो गई डिजिटाइजेशन शुरू हो गई डिजिटाइजेशन ने चीज़ों को डिफरेंट कर दिया आपके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो तेज़ आ गई आपने देखा होगा कि आपका जो है वो एक ज़माना होता था कि डॉलर प्राइस सिर्फ कंसर्न लोगों को पता होता था आज हर किसी को पता होता है कि आज का डॉलर कितना है भाई आप लोगों ने डॉलर से करना कुछ नहीं आपको डॉलर की प्राइस क्यों चाहिए लेकिन मार्केट की चीज़ है अच्छा जिसका कोई लेना देना है या नहीं है इंफॉर्मेशन के ब्लास्टर से भी बाजू का मार्केट चेंज हो जाती है और तब्दील हो जाती है हाइक होना जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं क्रिएटिविटी और इनोवेशन को समझिए जरा कि तौर पे कहा जाता है कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाने से इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है और भाई डॉलर को स्लम करके उसको स्नैप करके उसको सर्टन कर देने से वो नुकसान होता है अगर आर्टिफिशियली आप उसको स्नैप कर दें डॉलर को अपनी रूटीन से जाने दें जब तक कि आपका अपना कोई रिजर्व नहीं बन जाता यानी अगर जब साउथ ईस्ट एशियन मॉडल बन जाएगा उसके अंदर आप सोचेंगे कि इसके अंदर यूरो बॉन्ड्स के अंदर करें या हम जो है वो गोल्ड के ऊपर रिजर्व रिजर्वास डेवलप कर दें और यूरो को और डॉलर को बिल्कुल माइनस कर दें वो दैट इज अ डिफरेंट गेम अभी जब डॉलर है तो उसको आप ऑर्गेनिक जाने दें लेकिन मनी मार्केट इसको अलग से प्लच करेगी जिसने प्लच करनी है होल्ड कर लिए होल्डिंग्स अलग से कर लिए मनी मार्केट डिफरेंट है स्पेंडिंग मार्केट डिफरेंट है और इंडस्ट्रियल मार्केट डिफरेंट है अब इन चीजों को आप समझने की कोशिश करते हैं तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आगे लेकर चलते हैं यहां हम देखते हैं कि रिसर्चर्स कहते हैं दे हैव क्लोजली लिंक्ड एम्प्लॉय क्रिएटिविटी विद एम्पावरमेंट देन दिस इज टू मेजर पर्सपेक्टिव ऑन द एम्पावरमेंट फिनोमेना हैव इमर्ज इन द लिटरेचर वो लिटरेचर के अंदर दो पॉइंट्स को जरा गौर से समझने की जरूरत है वन इज द सोशल स्ट्रक्चरल अप्रोच इसको कैंटर 1977 में और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट अप्रोच इनको 1995 के अंदर इस पॉइंट को उठाया गया अब जरा पहले में आ जाते जो सोशल स्ट्रक्चर अप्रोच के ऊपर मैंने बात की देखिए सोशल स्ट्रक्चर अप्रोच क्या है मुख्तलिफ ममालिकंदर मुख्तलिफ दुनिया के अंदर मुख्तु चीज़ों के, के अंदर अलग अलग हो सकता है अब कल्चर वैल्यूज एट्रीब्यूट नॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए जब ग्लोबलाइजेशन से आप मैटोनलाइजेशन में आ जाते हैं और मैं बात बार आपको मैकडोनलाइजेशन का मतलब यानी आप टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट में ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पर आपके कल्चर नॉर्म्स जो हैं वो रहते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वैसे नहीं रहते यानी उसमें बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाते हैं यानी आप यूँ समझ लें टेक्नोलॉजी कवर्स द होल कल्चरल नॉर्म्स एटीट्यूड बिहेवियर और इवन एंथ्रोपोलॉजी जो है तो उसको माइनस करेगी और आने वाले वक्त में और मजीद करेगी जबकि आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा जो लोग पाइनियर थे आई ए टेक्नोलॉजी के वही कहते हैं कि अब इससे जान छोड़ानी चाहिए लेकिन अब क्योंकि डिजिटाइजेशन के अंदर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ये जब डिजिटाइजेशन इंडस्ट्री में आई है तब भी हमें मार्जिनल इफेक्ट्स के अंदर लगता था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही तो दूसरा अप्रोच ये, ये है कि एम्पावरमेंट कैसे मिलेगी अब ये लड़ाई है क्रिएटिविटी और इनोवेशन के अंदर फर्क आ रहा है टेक्नोलॉजी आपको क्या देगी इनोवेशन देगी अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी One. फिर क्या होगा फिर आपकी प्राइस कम हो जाएगी फिर क्या होगा मार्केट चेंज हो जाएगी मार्केट चेंज वो इंडस्ट्रीज करेंगी या आपकी इंप्लॉय अगर बढ़ गई हैं तो वो अपनी ताकत के साथ दूसरा अपना लेबर वेज रेट के लिए बात करेंगी तो फिर उसका मुकाबले के अंदर वो क्या करेंगे वो अपनी इनोवेशन बेहतर कर लेंगे आपको जो लेबर्स को या यूनियंस को माइनस कर देंगे वो कहेंगे कि हम अपनी इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्री को इनोवेटिव बेस कर देते हैं जिसकी वजह से आपको इंसानों की जरूरत कम से कम हो अब यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर अप्रोच तब्दील होने जा रही है अब साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट अप्रोच का क्या देखिए क्रिएटिविटी इंसानों में होती मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो रिबॉट भी तो कर सकता है लेकिन जब मैं आपके सामने एक लिटरेचर पढ़ रहा होता हूँ लेकिन पढ़ते हुए या बताते हुए या समझाते हुए मुझे अचानक से एक आइडिया आएगा और मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा वो इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगले आने वाली सदी के अंदर या मुझे आज जो सुन रहे होंगे मुमकिन है दस साल बाद मुझे वो सुने तो उनको ये पता हो कि मैंने आइडिया ये दिया था वो आइडिया ये है कि इंसानी क्रिएटिविटी का कोई मुकाबला नहीं ए टेक्नोलॉजी माइनस में चली जाएगी कुछ अरसे के बाद जरूरी है आप उसको एज अ टूल टेक्निक से इस्तेमाल कीजिए उससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन कीजिए आप मटेरियल मैनेजमेंट कीजिए मटेरियलाइजेशन को आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए वेस्ट की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल कीजिए लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी का मुकाबला जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ ना कीजिए आपको अपनी ह्यूमन क्रिएटिविटी ह्यूमन कैपेसिटी ह्यूमन डेवलपमेंट वो बहुत जरूरी है आज जो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूं वो ये है कि इसके पीछे एक पूरा क्रू काम करता है इसके ऊपर पूरी की पूरी सेट डिजाइनिंग काम करती है इस चीज को अच्छे से सा आपके सामने दिखाया जाता है कि सब कुछ है लेकिन यहां पर इंसान इसलिए है क्योंकि इंसान टू इंसान इंटरक्शन टू ह्यूमन इंटरशनोशन इज द बेस्ट वे टू क्रिएट समथिंग न्यू इनोवेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी अब आपको आइडिया समझ में आ गया सो so, इसके साथ हम अपनी चीजों को बेस्ट आउटकम रिजल्ट में फिट इन कर सकते हैं लेकिन हम इसके ऊपर कंप्लीट रिलाई नहीं कर सकते थैंक यू मेरव वेरी मच